रायपुर में पुल के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से कार पलट गई, जबकि पुल का हिस्सा करीब एक फीट ढल गया है। हादसे का शिकार नागरिक पूर्व विधायक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी के नेतृत्व में बीजेपी ने पुल का उद्घाटन जल्द करने को लेकर आंदोलन किया था। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐतिहासिक ये फ्लाईओवर है, ये सड़क है, दो महीनों से ऐतिहासिक है कि उद्घाटन होने से पहले ही ये सड़क, ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, इसके टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके निर्माण में कितनी लापरवाही बरती गई, किस कदर की अनियमितता बरती गई, उसकी वानगी ये सड़क भी बता रहा है। ये पुल के ऊपर जो बना हुआ सड़क है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुल है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये स्थिति इस सड़क के इस पार नहीं है बल्कि उस पार भी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लाखों लोग जो इस सड़क से यात्रा करने वाले थे, उनकी जान को जोखिम में क्यों डाला गया। अचानक ही हम इससे, इस गड्ढे से 5 फीट पहले पहुंचे, तब उनको दिखा कि ये गड्ढा है। तब तक देर हो चुकी थी, ब्रेक लगाने से पहले गड्ढे से ऊपर कार उचक गई। करीब 3 फीट ऊपर कार उचकी है और उचकने के बाद स्टीयरिंग जाम हुआ, नीचे गिरी। और आप देख रहे होंगे 100 फीट दूर जहाँ मेरी अभी गाड़ियां खड़ी है, वहां पर जाके कार पलट गई। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज तो इनकी, चलिए हमारे भाई ने की बीच इनकी बच गए हैं। एंडा कभी मान लो बस जा रही है स्कूल बच्चे के, और वो स्कूल बच्चे के साथ ये हादसा हो जिसमें 80 से 90% बच्चे होते हैं, उनके साथ ये हादसा होता तो आज क्या दुखद कहानी होती हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर पे। ये जो है, अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ये डिमांड कर रहे थे कि इसका उद्घाटन होना चाहिए, काफी समय से बन के रखा हुआ। अब उनको बुलाइए, दिखाइए इसका ओपनिंग क्या करेंगे वो। ये हादसे का भरपाई कौन करेगा? अगर कार गई है कोई चिंता नहीं है, अगर हमारे भाई को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? मैंने रायपुर शहर में बहुत सारी पेंटिंगें, डिवाइडरों के कलर देखे हैं, जोड़ाई देखी है, ऐसे कई घोटाले मैंने देखे हैं जो बहुत सारे हल्के मटेरियल में यूज हो रहे हैं। अभी एक्सप्रेस जो पंडरी की तरफ इन्होंने जो दीवार खड़ा की है ना, झिक झेक जो ब्रिक्स लगा के, वो दीवार भी एकदम पेड़ की तरह निकल आई है। आप 2 दिन और बरसात गिनने दीजिए, वो भी पूरा दब के और बाहर की ओर गिर जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो कार है उसके पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये सारे पार्ट्स, हालांकि ये फाइबर के हैं, यहीं पे टूट गए। कार करीब 100 मीटर आगे गई और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उन मंत्री को बुलाया जाए, विधायक को बुलाया जाए और उनसे सवाल पूछा जाए कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।